नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। रीवा के हनुमाना थाना अंतर्गत ग्राम रघुनाथगढ़ में चोरों ने मचाया उत्पात। एक 55 वर्षीय वृद्ध महिला घर में अकेली थी। घर में चोर घुस आने की आहट सुनकर नींद से उठकर चोरों का विरोध किया। चोरों ने उस पर पत्थर पटक दिया जिससे गंभीर रूप से वो घायल हो गए। मरणासन्न हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनुसार महिला घर में अकेली रहती थी। उसका एक पुत्र है जो उत्तर प्रदेश में एक मंदिर में पुजारी है, कभी कभार आता था। वृद्धा के पति ने कई वर्ष पहले एक बच्चा होने पर उसे छोड़ दिया था। वृद्धा का बगल के गांव में मायका है। पहले कई वर्ष अपने मायके रही, उपरांत खेती की देखभाल के लिए पुनः अपने घर आ गई थी। वृद्धा ने अपने घर में छोटी सी किराने की दुकान खोल रखी थी, इसलिए गांव का एक लड़का सामान खरीदने आया था। तब देखा मृतका को मरणासन्न हालत में, नाम महादेवी शुक्ला है। घर का सभी सामान अस्त व्यस्त है। घर में दुकान में अलमारी सभी खुली हुई है। अवस्था में संभवतः चोर चोरी करने के उद्देश्य से घर में घुसे थे। वृद्धा के जाने पर हमला कर दिया। FSL टीम घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा रही है। घटना के संबंध में रीवा CSP शिवेंद्र सिंह बघेल से विशेष चर्चा की है। हनुमाना थाना के अंतर्गत एक गांव है गाड़ा रघुनाथगंज। वहां श्रीमती महादेवी शुक्ला नाम की एक सयानी महिला रहती हैं। उनके पति यूपी में रहते हैं, उनका एक लड़का है वो सिंगरौली में रहता है। घर में कल रात में अकेले थी और ऐसा महसूस हो रहा है कि रात में उनके घर में चोर घुसे होंगे, क्योंकि उनके घर का सामान पूरा बिखरा पड़ा हुआ है और ये जाग गई होंगी। उन्होंने विरोध किया होगा, इनके सर में पत्थर ऐसी कोई चीज़ मार के चोर जो है भाग गए हैं और ये घायल अवस्था में अपने घर के सामने आंगन में पड़ी हुई थी। कोई चरवाहा सुबह वहाँ से निकला होगा, इन्हीं के गांव में इनके रिश्तेदार अंशु करके रहते हैं। चरवाहे ने उनको सूचना दी, फिर उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुँची और पुलिस ने इनको घायल अवस्था में सीधे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल रवाना किया है। अभी वो बोलने की स्थिति में नहीं है, उनकी हालत वही गंभीर बनी हुई है। ये बता पाना मुश्किल है कि कितना सामान चोरी हुआ है। फिर भी पुलिस द्वारा इस संबंध में जो है उनके रिश्तेदारों की सूचना पर अपराध दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है।